अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तो वैसे ठीक है। मैं हनुमान है, मैं यूट्यूब चैनल हनुमान व्लॉग्स। आज मैं जिला लहिया के मौजूद हाँ और जम्मन शाह के एरिया के मैं मेरे बहुत प्यारे दोस्त रमजान भाई। रमजान भाई, क्या हाल है? सही, ठीक हो? तो भी ऐसे ठीक है, अल्लाह पाक सलामत रखे, बस दे आबाद हो। मैं जिला लहिया के मौजूद हाँ और मैं एक बहुत फेमस पर्सनैलिटी को मिलने वाला थामिल देख ही दी इंशाला। तो जुलते हैं खिजर उमर भाई को मिलते हैं और उन्होंने इंटरव्यू करें और उन्होंने थोको रहन सहन देरा दार वो भी दिखा सको। जिला लहिया तो मतलब मशहूर है और पूरे पाकिस्तान पूरी दुनिया के फेमस स्टार हैं। कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, ड्रामे वीडियो बनाते हैं। फिलहाल सलामत रखें, उन्होंने वहाँ की मिलते हैं और सारी सिचुएशन थोड़ा शेयर करो इंशाला। सारी वीडियो शुरू करने पहले सारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैलेंस क्लिक करो ताकि आने वीडियो थोड़े तक पहुँचे। हम करते हैं वीडियो शुरू। जलो रमजान भाई, जलो चौका सफर है तो 20 किलोमीटर है उन्होंने देर का। चलो चलो माशाल्लाह। अगू हम कि सिटी पहले जम्मन शाह, जम्मन शाह के बाद लहिया शहर। ठीक ठीक, चलो जब जुलते पे जम्मन शाह पे पहली सिटी उनके बाद वाल वैसू लहिया शहर, लहिया शहर के बाद किसी उम्र देर वैसू इंशाल्लाह। फाइनली जम्मन शाह पहुंच गए हैं तो इतना रेस्टोरेंट एंड नवाजिश मेरे बहुत प्यारे चाचू एंड चाचू बशीर खान हास था उन्होंने भाई का होटल है, उन्होंने भाई का जो रहा है किसी रूम में उन्होंने फोन करवाने हैं। माशाल्लाह होटल लुक जाना बहुत ही प्यारी है, क्या बात है। उतो भी प्लाट है, इतना भी प्लाट है, अगू सामने मेन लहिया रोड है ना भैया, लहिया रोड है ना। माशाल्लाह वैसे होटल लुक बड़ी प्यारी है ना। और इन होटल की और इन होटल की मशहूर मरूफ सिज्जी होंगी है ना जी। सिज्जी इन होटल के मतलब एन नवाजिश जो ना इन्हों के त्रे होटल हैं, एक जमन शाह, एक दारे दीन बनाए चे, बी है साढ़े अबे पठान होटल दे उतो भी अक्सर मैं बता रहा इन शाला कहीं उनकी वीडियो भी देखना। अच्छा व्यूअर्स, मेरे जो दोस्त हैं ना रमजान भाई, रमजान भाई इतों के रिहायशियन जमन शाह दे ना। रमजान भाई थोड़ा चक कड़े 162 चक दे रिहायशियन तो इन्हों की मेरे न दुआ सलाम तकरीबन 5-6 साल तो 5-6 साल दिन मेरी दुआ सलाम है और सारे मतलब मुरीद हैं अबू चंगे तालुकात अल्लाह पाक सलामत रखे। इन्होंने मैं राबता किया कि मैं भाई जान मैं थोड़े इलाके जाना पियाँ, मैं कुछ रहना किधर उम्र को मैं वैसे यू ना, अल्लाह पाक सलामत रखे। रात मैं चाचू बशीर हास को आने तो सुबह टाइम में जरा मैं भाई को आ गया रमजान भाई तो मैं किधर उम्र डेर रुके इन शहली बार लइए शहर पहुँच चुके हैं तो उतना ऐन नवाज होटल से रुकिया से फिर किधर उम्र भाई को रात को करा देते थे लेकिन रात तो नहीं थी, उन्होंने कॉल नहीं पैक की थी क्योंकि शायद सुते हुए उसने तो हम अस पहुँचे खड़े हैं। रमजान भैया दोस्त बने भैया, क्या हाल है? ठीक हो सही? तभी ऐसे ठीक है फिर एन रमजान भैया दोस्त, क्या नाम है भैया था? मोहम्मद साद। माशाल्लाह हम तो सारे इकट्ठे जो ना दे। चलो चलो माशाल्लाह यार असा पहुंचे खड़े लइए शहर लइए सिटी के इतों मैं पैं अगु डायरेक्ट डेरे उत्ते क्योंकि शायद वो टाइम फोन नहीं चला सके शायद सुते पे उसने कोई पता क्या नहीं तो मैं देर तक देर जल्द मिल जाऊंगा इंशाल्लाह। व्यूअर्स ये वो बठा है जितना मौली साहब काम करता है जो मौली खिजर भी इकट्ठे वीडियो चाहता है ना और इं बठे दे काम करता है चेक करो मिलते पे खिजर भी देर से अलग करे मौली साहब का तो उसी मौली साहब को भी मिलते हैं और खिजर भी मिलते हैं बाकी बठा चेक करो इं बठे से काम करता है मौली साहब। फाइनली व्यूअर्स सफर करने के बाद अस पहुँच गए खिजर भी देर से माशाल्लाह ये जो कंप्लीट थी गया महसूस थी कि शायद कल ही जाते हुए लेकिन ये तो पूरी बस्ती के अंदर अंदर है, अंदरों शायद बंदे क्रिकेट खड़े कहते हैं उन्होंने जुड़ के मिलते हैं तो बाकी सारी सिचुएशन थोड़ा शेयर करें। अल्लाह करे खिजर भी बैठा भी हो गए सारे बंदे जो ना एक दो बंदे रमजान भाई बंद पैक करना पै गया तो मैं मोहम्मद साद भाई नाल आ गया आमी तो रमजान भी आ वे तो वाल जुलते हैं देर अंदरों इंट्री करेंगे। अच्छा व्यूअर्स मौली साहब ना इखलाक के बहुत अच्छे बंदे हैं, अल्लाह पाक इन्होंने सलामत रखे, वसते हुए आबाद हो शायद इन्हों का कोई प्रोजेक्ट चलता पे जिस वजह तो मैं इन्होंने अपने नाल वीडियो नहीं बनावा दी तो इन्होंने कि नैक्सट टाइम मैंने शरा सत्ता वीडियो जरूर बने सो। फाइनली व्यूअर्स असर मैंने वापस अंदरों जो है ना क्रिकेट खेल देखना मौली साहब इतना मौजूद है किधर भी आता है मुल्तान गया वह शायद कोई काम की वजह तो पता नहीं पता कहानी तो मौली साहब मौजूद है लेकिन मौली साहब ने कहा सारा कोई प्रोजेक्ट चलता पाया तो फिलहाल व्लॉगिंग की वीडियो सर ना बनाओ तो नैक्सट टाइम मैंने शरा सत्ता वीडियो जरूर बने सो तो असर उन्होंने सैल्फी वगैरह मैं बनाई थोड़ा मैं दिखाई नहीं तो बाकी होने वाला जुड़ता मैं वापस घर वाली साइड से बहुत डिसहार्ट थे क्योंकि इतने सफर मैं करके आया और खिजर भाई को मिलने लगे खिजर भाई तो हाई क्या ना तो मौली साहब बैठे तो मौली साहब बैठे असर क्या वीडियो भी नहीं बनवाए थे सारा कोई प्रोजेक्ट चलता पे ठीक है चलो अल्लाह खैर करे। फाइनली भी वर्ष किधर उम्र देर तो ठीक है ना लइए शहर के बने मैं मौली साहब जो दोस्तों रमजान भाई दोस्त हैं मौली साहब क्या हाल है? ठीक हो सही तबीयत से ठीक है अल्लाह पाक सलामत रखे अलहमदुल्लाह दुआ चाहिए जी। फाइनली व्यूअर्स खिजर उमर देर तो ठीक है लइए शहर जो ठीक है हूँ ही समझ लइए सिटी बैठे हैं तो अं भाई के नया बैठे हैं वाल भाई ने चाह मंगवाई है यार मेरा यार तो रमजान तो पीछे रह गए रमजान भाई के कट्ठे जो मौली साहब खड़े हैं रमजान भी उन्होंने छोड़न गए वो आ वजन
ते वो भी चाय पी सन। या भैया क्या हाल है? ठीक हो? तो भी ऐसे ठीक है माशाल्लाह। बाकी सो चाय पींदे तो मोस्ट वेलकम। दसा चाय पींदी पे फाइनली व्यूअर्स लइए शहर जो ठीक है। हुन वापस जमन शहर एरिया जसा आए खणे हैं ता ए भाई को मैं इजाजत मांगना और वैसा घर इंशाल्लाह। रमजान भाई मैं तुसे इजाजत देसो। थारा बहुत बहुत शुक्रिया साको टाइम दिते हुए। अल्लाह पाक तो सलामत रखे वस्ते आबाद हो। बाकी एक मेन चीज मैं ये तो गाल कर दूं क्योंकि काफी लोग कमेंट में करे थे कि यार मौली वीडियो क्यों नहीं बना रहे। शायद मौली की कोई मजबूरी होसी, मौली को अलाउड कहना होसी, कोई मसला मसायल होसी। अगर खिजर उमर देर ते मौजूद होता तो वीडियो भी जरूर बनया। वो शायद इस्लामाबाद है या लाहौर है, मतलब कि बड़ी सिटी है, इतना देर ते मौजूद है भी कहना। तो मौली साहब को मैं ज्यादा तंग नहीं किया। मौली साहब आके वीडियो तुम नहीं बना सकते, सारा एक प्रोजेक्ट चलता पहले उन्होंने की मजबूरी हो सी। बाकी वर्ष उम्मीद करें तो सारी अजली वीडियो काफी अच्छी लगी। अगर सारी वीडियो अच्छी लगी सारे यूट्यूब चैनल लाजम सब्सक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक करो ताकि आने वीडियो थोड़े तक पहुँच सके। तो ये वीडियो करें थे तेरे शब्द तक मिलते ना मिलता। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।